रोहित जाना है रख दो तो दिक्कत करे तारा ठहोंगे बोलो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा पुलिस का पहरा देख सकते हो तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको हॉस्पिटल में करनी पड़ रही है। आमन अनशन का आज 8वां दिन है, कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि एक महिला इमृता ढाका आमन अनशन पे बैठी थी, तो जिस दिन मुझे उठा के लाए थे उसी दिन यहाँ पे मुझे छोड़ने के बाद पुलिस प्रशासन दोबारा वहाँ गया और तो महिला को घसीटते हुए ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके आया, तो महिला काफ़ी सदमे में है। उसको दिन में 3-4 बार दौरे से आते हैं। उस महिला को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। 2 हमारे विद्यार्थी हैं अभी भी धरनास्थल पर आमन अनशन पर बैठे हैं, एक संजू लता मीणा है सवाई माधोपुर से, एक सुमित शर्मा है सीकर से। उनकी भी तबीयत काफ़ी डाउन हो रही है पर धरना लगातार जारी है। प्रदेश के हर हिस्से से विद्यार्थी आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास में, सबका फ़ोन मैं ले भी नहीं पा रहा तबीयत कमज़ोर होने की वजह से, पर यह है कि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं। अब कोविड प्रोटोकॉल इन्होंने लगा रखा है, कोविड का जो गाइडलाइन है ये इन्होंने जारी कर रखी है। कोविड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में कल मैंने पता किया था, सेकेंड वेव में खेतान हॉस्पिटल झुन्नू का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे 6 वार्ड थे कोरोना के जैसे बता रहे थे स्टाफ और जगह नहीं थी। अभी एक पेशेंट भी कल की डेट में बता रहे थे कि यहाँ पे कोविड का एक भी पेशेंट एडमिट नहीं है, तो आप देख लीजिए कोविड का हमको ये क्या डर दिखाते हैं। ये 7-8 महीने घोटाले करते हैं जमा के, और जब जनता खड़ी होती है, विद्यार्थी युवा खड़ा होता है, इनसे जवाब मांगता होते कोविड के उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो ये चीज़ें हमको समझ में आ गई, विद्यार्थियों को समझ में आ गई, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो इसी आंदोलन को हम ठंडा नहीं पड़ने देना चाहते, लोग जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मैंने आह्वान किया है कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, देश का संविधान लागू हुआ था, तो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, संविधान का अर्थ यही होता है। आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो देखने में प्रतीत होते हैं कि वो मुख्यमंत्री का दायित्व कम और एक शासक की तरह ज़्यादा नज़र आते हैं, उनको नज़र ही नहीं आ रहा कि मतलब प्रदेश में हो क्या रहा है। एक भी ऐसी भर्ती नहीं है RS से लेकर नीचे तक, एक भी ऐसी भर्ती नहीं जिसमें धांधली ना हो, पेपर आउट ना हो। अभी एक छात्र आया था माखर गांव से, वो बता था सर फायरमैन की एग्ज़ाम है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेता है परीक्षा, अभी 29 तारीख की शायद 29 तारीख की परीक्षा है, और अभी से जो नकल माफिया हैं वो मार्केट में घूम रहे हैं, पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? कभी तो एक डेडलाइन आएगी कि यहाँ जाके थमेगा, हम इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 26 तारीख को झुंझुनू में 950 गांव हैं लगभग, और 350 ग्राम पंचायतें हैं, राज्य में 14,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं और 45,000 के आसपास गांव हैं। तो सभी बच्चों से मैं आह्वान करता हूं कि अपने गांव में, अपने गांव के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर आप निकलिए, बैनर बनाइए अपने स्तर पर, और जो हमारी मांगे हैं उन मांगों के साथ आप एक दिन का सांकेतिक धरना दीजिए। सांकेतिक धरने के साथ आप गांव में रैली निकालिए, सबको जागरूक कीजिए। जो भी आप वीडियो बनाते हैं उसको प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में दीजिए। सोशल मीडिया में देने के बाद ज्ञापन जो है, हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो मुख्य मांगों
के साथ में जो भी वहाँ पे वीडियो हैं या ग्राम सेवक है, नज़दीकी तहसील में तहसीलदार है या SDM है या कलेक्टर है, वहाँ तक मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दीजिए। इस लड़ाई को ठंडा नहीं पड़ने देना है। हमने अपने छात्रों को, हमारे साथियों के मैसेज पास कर दिया है। अब मीडिया के द्वारा मैं चाहता हूँ कि ये लोगों के पास ये बात पहुँचे। लगातार आंदोलन जारी, मैं ये अनशन नहीं तोड़ रहा, मेरा अनशन लगातार जारी है। प्रशासन का एक भी आदमी, जब से मुझे गांव से उठा के लाए हैं, एक भी आदमी प्रशासन का यहां पर मेरे सुध-बुध लेने नहीं आया है। तो आप इनकी संवेदनशीलता आप देख सकते हैं। प्रशासन तो दावा कर रहा था कि हमारी जिम्मेदारी है। प्रशासन की जिम्मेदारी तो जो हम मांगे मान रहे हैं वो भी है, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा? मेरी जिम्मेदारी प्रशासन छोड़ दे, वो जिम्मेदारी निभाए, ये भी नहीं निभा रहा, वो भी नहीं निभा रहा। जिम्मेदारी यहाँ ला के पटक दिया और ये पुलिस की गार्ड लगी हुई यहाँ पे 24 घंटे, जैसे कोई जघन्य अपराधी यहाँ पे सोया हुआ कहीं भाग जाएगा। पूरे 24 घंटे पहरे में रहता हूँ, तो ये कैसी जिम्मेदारी निभा रहे, मेरे तो समझ में आई नहीं। ये छुट्टी नहीं देंगे मुझे, जब तक अनशन है मुझे नहीं लगता ये छुट्टी देंगे। छुट्टी देंगे तो मैं वापस अनशन पे बैठ जाऊंगा। आपका बेटा भी दिल्ली पे बैठा था? नहीं, बेटा उस दिन आप गए थे, जब पुलिस वहाँ पे दोबारा गई तो वहाँ से गांव की महिलाओं को उठा के और जो ग्रामीण थे, जो विद्यार्थी थे, उनको बाहर कर दिया था और ये धमकी दे के आए थे कि टेंट यहाँ से उखाड़ लीजिए। तो घर बिल्कुल नज़दीक है धरना स्थल से, 10 मीटर भी नहीं होगा, वो जाके वहाँ पे बैठ गया था और आप ही शायद गए थे, आपने इंटरव्यू लिया था। तो उसमें बच्चे ने आवेश में आके या जोश में आके बोल दिया कि मैं धरने पे हूँ। तो एक दिन रहा वो, मैंने फ़ोन करके बोला बेटा आप पढ़ाई करो, आपकी उम्र धरने देने की, और वो नहीं है, बेटा नहीं है धरने पे अभी। दो मैंने बताया, एक संजुलेता मीना है सवाई माधोपुर से और एक ये सुमित शर्मा सीकर से, वो आमन अनशन पे हैं और ग्रामीण लोग हैं। आज भी युवा जागृति एक वो चल रहा है, जागरण चल रहा है, ग्रामीण लोग आ रहे हैं, बाहर से विद्यार्थी भी आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। तो पत्नी वैसे आगे नहीं है, पत्नी के लिए मैंने तो बोल रखा, उसने खुद बोला था कि सरकार हठ धर्मिता नहीं छोड़ती तो वो भी इस्तीफा दे देगी, ये बात बोली हुई है उसने, डायरेक्ट वो नहीं है। आज 8वां दिन है अनशन का, आज सुबह भी शायद सैंपल लिए हैं, मेडिकल जांच हुई है, क्या रिपोर्ट अभी डॉक्टर बता रहे हैं? कीटोन बॉडी जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बढ़ा दिया है, जो फ्लूड है ये 3 बोतल चढ़ती थी 6 कर दिया, 3 लीटर फ्लूड आज से इन्होंने बढ़ा दिया है इसको। मैं कह चुका हूँ, आप साबित कर दीजिए कोई राजनीतिक लिंक जो है मेरा, आप फिर मैं आंदोलन छोड़ दूंगा। काफ़ी यहाँ पे जब मैं अभी एडमिट हूँ, काफ़ी राजनीतिक पार्टी के लोग भी आके मिलते हैं मुझसे, इसका मुझसे कोई मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी आके मिल सकता है। मैं तो बोलूँगा मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आके मिलेंगे, मैं मना करने वाला नहीं हूँ उनसे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई ताल्लुक है किसी राजनीतिक पार्टी से। हाँ, वो छात्र संगठनों ने अपने स्तर पे तारीख दी, वो हमारे लेवल से डिक्लेयर डेट नहीं है। वो छात्र संगठन ने बोला है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हम 1 तारीख से आंदोलन शुरू करेंगे, ये हमारी तरफ से दी गई डेट नहीं है, वो छात्र संगठनों की तरफ से दी गई डेट। सर, अनशन स्थल पे जो सुमित शर्मा अनशन पे अभी हैं, उनका कहना यह था कि हमें अंदेशा है कि आंदोलन हाईजेक हो सकता है राजनीतिक पार्टियों के। मैं इसीलिए मैंने आज ट्वीट भी किया था कि ये युवाओं का आंदोलन है और बेरोजगारों का आंदोलन है। बेरोजगार की कोई पार्टी को धर्म जाति नहीं होती, वो किसी भी पार्टी को मानने वाला हो, किसी भी आइडियोलॉजी को मानने वाला हो, वो पीड़ित है आज के दिन। उसके साथ धोखा हो रहा है, उसकी मेहनत का है फल कोई बेईमान खा रहा है, तो उसी के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लंबी है, एक दिन में नहीं सब कुछ होगा, पर यह है कि मुख्यमंत्री जी के बेटे को तो नौकरी लगना नहीं, वो तो 7 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकते हैं। गरीब बच्चे हैं जो 2000, 5000, 10000, 20000 की नौकरी की तलाश कर रहे हैं, धोखा तो इनके साथ हो रहा है। भर्तियों में इतना भ्रष्टाचार है, क्या ये सब सरकार के इशारे पर है?
सरकार के शामिल हुए बिना संभव ही नहीं है। आप सरकार की मंशा देख लीजिए ना, ये बताइए आप, नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ा कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कड़ा कानून होगा तो उनमें दहशत होगी, दहशत होगी तो वो ये काम करने से डरेंगे। क्यों नहीं ला रहे कड़ा कानून? हमने 3-4 जो सुझाव दिए थे कि 10 साल से ऊपर सजा होनी चाहिए, नॉन अवेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में इसको लाना चाहिए, चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए उनकी, और भी जो है संस्थाएं जहाँ इन्वॉल्व होती हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो, ये सब कुछ हमने मांग करी है। पर एक नकल माफिया है, नकल करवाता है किसी परीक्षा में, आप देखोगे वो 5-7 महीने बाद में जेल से छुट के फिर दूसरी परीक्षा में इन्वॉल्व हो जाता है। तो सरकार ये क्यों नहीं कर रही है? आप सरकार से सवाल कीजिए ना, आप क्यों नहीं, आखिर उनका क्या जा रहा है? ये तो जनता की भलाई के लिए, आम पब्लिक की भलाई के लिए क्यों नहीं कर रहे? साथ में जो कमेटी हमने बताई थी, भाई हर परीक्षा की बात कर रहे हैं हम, कोई पर्टिकुलर रिट की एसआई की बात नहीं, वो तो हो चुकी, आगे भी परीक्षा आएंगी, उनमें धान लिया ना हो तो उसमें कैसे स्थायी सुधार हो? स्थायी सुधार के लिए कमेटी बने, सरकार क्यों नहीं कमेटी बना रही? जो ये 4 परीक्षा हुई जिनकी हम डिमांड कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की, क्यों सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवा रही? सीबीआई इंक्वायरी करने से जो दोषी हैं वो फंसेंगे, लंबी लंबे जेल में जाएंगे, रास्ता में एक दहशत रही काफ़ी समय तक, ये डर रहेगा, लोग करने से डरेंगे ऐसा काम। पर अब बच्चे जैसे बोलते हैं कि अब क्यों नहीं करवा रहे, बोल रहे हैं कि खुद शामिल है। जिसको कराना है सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट, जिसको ऑर्डर देना है सीबीआई इंक्वायरी का, वो कह रहे हैं कि खुद ही उसमें शायद लग रहा है कि उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो डर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी होगी तो कहीं वो खुद ना फंस जाए, ऐसा डर है उनके, सब बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। युवा जी, अनशन का 8वां दिन है और जिस दिन आपको यहाँ लाया गया उस दिन ये कहा गया कि आपकी उठने की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए आपको हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप आराम से मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, उठने की हिम्मत तो मेरी अभी भी कमजोरी फील हो रही है मुझे, बाथरूम भी जाता हूँ तो एक साथ में सहारा लेके कोई जाता है, अभी इसके भरोसे हूँ जो चल रहा है, लूट के भरोसे चल रहा है ना। बाकी वीकनेस तो मेरे को अभी भी है, आज 8वां दिन है, मैंने पानी थोड़ा सा लेता हूँ, बाकी कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा, न लिक्विड कुछ पानी के अलावा, न कुछ अन्न वगैरह, और ये लगातार जारी है जब तक ये मांगे नहीं माने। मैं कॉल करूं बाद में आ जाए वो, हाँ अभी कॉल करूं 5-10 मिनट।